नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। आप लोग जितने प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हल करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से हल करिए, नोट्स भी बनाइए, कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और अभी तक लगभग 17 से 18 प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड हो गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इनमें से डीएनए विषाणु कौन है? इसमें हेपेटाइटिस बी जो होता है डीएनए विषाणु है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सभी एनम बहनों तक पहुँच जाए। बहुत से एनम बहनें ऐसे हैं कि जिनको स्टडी मटेरियल अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं? कौन से करते हैं दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीसीजी का टीका जो है यह क्या है? बीसीजी का टीका जो होता है एक जीवित टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होती है? तो एवी नोड कहाँ पर होती है? दाएँ आलिंद में होती है, वो भी हार्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? मुक्त राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं क्योंकि? प्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने के में ज़्यादा सक्षम है। प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणु की अपेक्षा, दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। जब प्रश्न पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये प्रश्न का उत्तर यही सही है तभी आप लोग जो उसको हल करिएगा या उसको ओएमआर शीट में गोला करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने पेट में यही गलती किया है कि 100 के 100 क्वेश्चन को हल कर दिए हैं और उनका माइनस में नंबर चला गया है, जो कि इस समय मेंस एग्ज़ाम के लिए वंचित हो गए हैं। तो आप लोग इस गलती को जो है फिर दोबारा न दोहराइएगा। जो प्रश्न आ रहे हैं, भले एक ही प्रश्न आ रहा हो, दो ही आ रहा हो, एक ही दो करिएगा, 10 करिएगा, 20 करिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एक वीडियो में कट ऑफ पर भी बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा हुआ हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवरण को नियंत्रित करता है वह कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल जो होता है वही करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? अंतः उष्मी उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चावल या ब्रेड को लंबे समय तक चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है, लार में वह किण्वन कौन सा है जो इस क्रिया में भाग लेता है? तो कौन सा है दोस्तों? एमाइलेज जो होता है यही इसी ये किण्वन कर देता है, इसी की वजह से जो है मीठा लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देवदार के पराक्रम में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है, निषेचन के बाद उसके भ्रूण कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 24 गुणसूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। रेशम के कीड़े की किस अवस्था में रेशम प्राप्त करते हैं? किसमें प्राप्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो किसमें होता है? कोकून होता है, उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथियों का है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है तो वह कौन सा है दोस्तों? पुष्प वृंत ही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कॉर्पेल पुंकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को हम कहते हैं संपूर्ण कहते हैं, जब पूरा रहेगा तो उसको हम संपूर्ण फूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर हैं। संकरण का संबंध है, संकरण जो होता है वो ग्राफ्टिंग हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जीवाणु जनित प्रकाश संश्लेषण हरित पादप प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है? वह ऑक्सीजन के उत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह जो होता है श्वसन रंजक होता है। क्वेश्चन नंबर 18। नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं, नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं, यह जो होती है दोस्तों अस्थि से होती हैं, बोन से। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बाइल किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है? बाइल पूछ रहा है जो होता है पित्त जो होता है दोस्तों किसमें होता है? यह गाय में जो है अम्लीय प्रकृति का होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ से होता है? आंतों से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, प्रघाती रक्तअल्पता किसकी कमी से होता है? साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, पौधे किसकी छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा प्राप्त करते हैं? तो जो सिंकोना होता है दोस्तों उसी की छाल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क जिसको बोलते हैं, तो उसकी क्या है? नेफ्रॉन जो है होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, जीवन का भौतिक आधार है? तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। हम लोग इंटर में पढ़े हैं ये सब, जो अभ्यर्थी बायो से इंटर किए होंगे तो ये सब बहुत ही सिंपल उन लोग के लिए है। जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? तो कौन सा नहीं होती है दोस्तों? पाचन की। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? दोस्तों इसके लिए फार्मूला आता है, फार्मूले से लगाएंगे तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही मायने रखता है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है? मानव की नेत्र जो होती है वह प्रतिबिंब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब भी जो होती है रेटिना पर होती है। दृष्टि वैसे हम जो स्टिगमेटिंग कहते हैं को सुधारा किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है दोस्तों? बेलनाकार लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, किस रासायनिक क्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है? किससे होता है? उष्मा क्षेपी से। दो अस्थि का अंत जुड़ा होता है, दो अस्थि का अंत जो जुड़ा होता है अस्थिबंध से द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, बाल की जड़ें होती हैं? तो बाल की जड़ें जो होती हैं वह बहुकोशिकीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 में पूछ रहा है, हैजा के टीके के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 6 सप्ताह के अंतराल पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में एड्स की प्रथम पहचान कब हुई थी? 33 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो कब हुई थी यह? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल, जो कंठमाला होता है गले में होता है दोस्तों, गलसुआ का उद्भव काल कितने दिन का होता है? तो 18 दिन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है? 35 में उसमें होता है दोस्तों, गलसुआ में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? किस राज्य की? किसकी है दोस्तों? केरल की। केरल में साक्षरता भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग जागरूक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, स्मॉल फॉर डेट जो था प्रसव के पूर्व देखभाल द्वारा जो होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बी ऑप्शन होगा। 38 पर आते हैं, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 2 वर्षीय शिशु फर्श पर अचानक गिर पड़ता है, इसका सबसे उच्चतम नर्सिंग उपचार क्या है? शिशु को फौरन बिस्तर पर लिटा दें। क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 वर्षीय मोहन में गुदा कैंसर की पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रतिक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि ना होने की पुष्टि हुई एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया, उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई? देखिए दोस्तों, बहुत ही यह सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना लंबा सेंटेंस देने के बाद क्या है, अभ्यर्थी जो है एकदम कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? निषेध। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, एक वयस्क में किस सीरम पोटेशियम स्तर तक कोई तत्काल नर्सिंग कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है? तो दोस्तों किस में नहीं है? 3.2 mEq पर लीटर में। क्वेश्चन नंबर 41 पर है, एक नर्स एक महिला की प्रसव के 4th चरण में देखभाल कर रही है, उसके नर्सिंग देखभाल योजना में क्या शामिल होना चाहिए? उसके नर्सिंग जो देखभाल है दोस्तों, उसमें देखना यही चाहिए कि गर्भाशय संकुचन तो नहीं हो रहा है। दोस्तों सेंटेंस बहुत अच्छे से समझिएगा तभी आंसर दीजिएगा, यह आप लोग के लिए मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए मैं स्टडी मटेरियल लाता हूँ, अच्छी बुक से लाता हूँ। और यह वीडियो जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम संख्या है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करिए, उनकी भी
हेल्प करिए जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत कम ही लोग जो है वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने की संख्या ज़्यादा बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 42 पर है, 1-3 वर्षीय बालक का हृदय कैथेटराइजेशन किया गया है, अपनी देखभाल योजना में नर्स को क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, तेज दर्द प्रतीक होने पर आवश्यकता अनुसार दवा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, 1 रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? दोस्तों प्रारंभिक पूछ रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 43वां क्वेश्चन है। प्रारंभिक उपचार जो है, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा छारी जल से धोना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं नहीं धोना चाहिए, लेकिन जल से धोना चाहिए, छारी से भी। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, 1 द्वितीय वर्ष की नर्सिंग छात्रा को 1 रोगी जो एड्स पॉजिटिव है का उपचार करते समय सुई से घाव लग जाता है, जब सुई लगाती है तो घाव लग जाता है नर्सिंग छात्रा को, नर्सिंग छात्रा को इनमें से कौन सा उपयुक्त कदम उठाना चाहिए? कौन सा उठाना चाहिए दोस्तों? रोग निरोधक AZT से उपचार शुरू करना चाहिए, AZT जो होता है उसी से करना चाहिए। 45 पर आते हैं, 1 नर्स वार्ड में भर्ती रोगियों के स्वास्थ्य अवस्था संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने हेतु चक्कर लगा रही है, इनमें से दिए गए कौन से आंकड़े सामान्यतः अवस्था में लक्षण दर्शाते हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? 13 वर्ष इसमें दिया, 13 ईयर ओल्ड फीमेल, 105 BPM, 22 RESP पर मिनट, 105/60 mmHg। आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हों तो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यार 46वां, जब आलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हैं तो तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षण से गहरा संबंध है? तो किससे है दोस्तों? दाएं भाग का हृदय घात, मतलब हार्ट अटैक दाएं साइड में। क्वेश्चन नंबर 48, 1 रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 48 पर देखते हैं दोस्तों, तो इसमें देखना ये चाहिए कि प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो 5 से 10 मिनट तक बहुत धीरे धीरे रक्त जो है चढ़ाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में टोटल 48 क्वेश्चन कराया हूँ, और इसके बाद जो है 49 क्वेश्चन से मैं अगले प्रैक्टिस सेट में कराऊँगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में स्टडी मटेरियल पाने के लिए। दोस्तों मैं जो भी कुछ करता हूँ आप लोग के लिए फ्री में एडवाइस देता हूँ, फ्री में सलाह दे रहा हूँ आप लोग को कैसे हल करना है। जब आपका परीक्षा नज़दीक आ जाएगा, मैं 2 दिन पहले आप लोग को बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको परीक्षा देना है, कैसे आपको अच्छे नंबर लाना है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को 1 लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।